दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा के डीजल वाहनों के ऊपर। हरियाणा की जनता सरकार की नीति से बहुत परेशान है, आहत है और उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये बात कही है पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा और हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रधान वरिष्ठ नेता कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने। कुमारी शैलजा ने हरियाणा की भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा है कि ये सरकार अपने नागरिकों का कितना भला कर पा रही है वो मुद्दा तो अलग है, लेकिन अपने ही नागरिकों के साथ चीटिंग कर रही है, गैरकानूनी काम कर रही है, अन्याय कर रही है। अब वो क्या अन्याय है? कुमारी शैलजा का दावा है कि हरियाणा सरकार NCR का इलाका जो हरियाणा में पड़ता है और लगभग पूरे हरियाणा में जो वाहन चालक हैं उनसे टैक्स तो 15 साल का लेती है, लेकिन डीजल वाहनों को 10 साल में कंडम कर देती है, यानी 10 साल के बाद उन्हें दिल्ली NCR और हरियाणा में चलाने की इजाज़त नहीं देती। तो कांग्रेस नेत्री ने सीधा सीधा आरोप लगाया है, भाई ये कौन सा तरीका है? जब जितने साल आप किसी वाहन को चलाने की प्रदेश में इजाज़त दोगे तो उतने ही साल का तो आप टैक्स लोगे। आप टैक्स ले रहे हो 15 साल का और चलाने दे रहे हो 10 साल। तो वाहन चालकों ने, हरियाणा के वाहन चालकों ने जब कुमारी शैलजा से भाजपा सरकार के इस अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करने को कहा तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया है और सरकार से कहा है कि या तो सरकार 10 साल का ही टैक्स ले जब वो 10 साल चलाने की इजाज़त देती है और 15 साल का वो फालतू लेती है, जबकि वही वाहन अच्छी हालत में होते हैं, हरियाणा निवासी NCR निवासी, उसको जो है अच्छी हालत में ही 10 साल के बाद किसी दूसरे राज्य में कम कीमत पर बेचने को मजबूर हो जाता है और वो दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ से हरियाणा से सस्ते दामों पर वाहन को खरीद कर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि हरियाणा सरकार 10 साल में उनके वाहन को कंडम कर देगी। तो दोस्तों, इस बात में बड़ा दम है और ये वाकई में हरियाणा के वाहन चालकों के साथ बहुत नाइंसाफी है, गैर कानूनी है। और जो कांग्रेस नेत्री ने ये जो मुद्दा उठाया है बहुत ज़बरदस्त है और हरियाणा की भाजपा सरकार को इस काले कानून को बदलना चाहिए। या इसका एक रास्ता और है कि जब सरकार 10 साल के बाद चलाने नहीं देती तो सरकार 10 साल का ही वाहन टैक्स वसूले, रोड टैक्स वसूले और 5 साल का उस व्यक्ति से वसूले जो यहाँ से खरीद कर अपने दूसरे प्रदेश में जाकर उस वाहन को चलाएगा। ऐसा करने पर हरियाणा के वाहन चालकों को न्याय भी मिलेगा और उनका वाहन सस्ते में भी नहीं बिकेगा, उनको हर तरीके से फायदा हो सकता है। जब हम इस मामले पर सीधे सीधे देखते हैं तो बिल्कुल ये अन्याय लगता है और सरकार ही अपने नागरिकों के साथ अन्याय कर रही है। तो इस काले कानून को तो तुरंत बदलने की जरूरत है, बल्कि यदि 10 साल के बाद भी कोई वाहन हरियाणा में अच्छी कंडीशन में है और वो उसे पास करवाता है और वो धुआं नहीं फेंकता है और उसका इंजन अच्छा है, वो पॉल्यूशन नहीं फैला रहा है, तो उसको पास करके पूरे 15 साल चलाने का भी कानून बनना चाहिए। कोई वाहन जल्दी 5 साल में भी खराब हो सकता है, कोई वाहन 10 साल में भी नहीं खराब होता। तो ये जो कानून है वाहन की स्थिति कंडीशन को देखकर तैयार किया जाना चाहिए और वाहन चालकों और हरियाणा के नागरिकों को इंसाफ मिलना चाहिए।
ये जो मुद्दा कांग्रेस नेत्री ने उठाया है ये जायज है, और उन्होंने जो हरियाणा सरकार की शिकायत कुमारी शैलजा को की है कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है, तो आप जो बहरी गूंगी ये सरकार है, आप कांग्रेस की नेता हैं, तो आप जो है इस मुद्दे को उठाएं और हमें न्याय दिलाएं। और ये देखना ये है कि ये उन हरियाणा के निवासियों को और वाहन चालकों को ये न्याय कब तक मिल पाता है। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।